नमस्कार, लक्षांश कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब सेक्शन पर आप सभी का स्वागत है। और रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी में पीजी का अगर कोर्स करना चाहते हैं, उसके एंट्रेंस एग्जाम का टाइम टेबल आ चुका है, मैंने इसका एक वीडियो बनाकर आपको दे दिया था। लेकिन इस बार इस वीडियो में हम बताएंगे कि जो संशोधन हुआ है, जो टाइम टेबल था उसमें कुछ संशोधन हो गया है, यहाँ पर तारीख बदल गई है। तो हम दोनों को बात करेंगे कि नए और पुराने में क्या अंतर आया है और कब किसकी परीक्षा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसी तरह अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन रखें ताकि इन्फॉर्मेशन आप सेलेक्ट ना हो छूटे नहीं। और इन सभी ग्रुप के माध्यम से आप हमसे संपर्क करते हुए सर्वप्रथम अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में पूरा लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, साथ ही लिंक भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं आज के इस इन्फॉर्मेशन की। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले यहां पर जो 31/5/2024 को 6 पाली में ऑनलाइन के माध्यम से प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, उसका टाइम टेबल आया था। तो 19 जून को परीक्षा देख सकते हैं आप, प्रथम पाली में था 1 से 2 बजे तक। आप देख पा रहे हैं एमएससी अलग अलग जो कोर्स है उसके लिए, वही द्वितीय पाली में भी अलग अलग कोर्स का, तो एक ही दिन में 2 पाली में यहाँ पर परीक्षा है। वहीं अगर आप बात करें 20 जून की बात करें तो 1 से 2 बजे तक देख सकते हैं आप 4 सब्जेक्ट, और द्वितीय पाली यानी 3:30 से 4:30 बजे तक भी आपका अलग अलग सब्जेक्ट का भी यहाँ पर परीक्षा है। एक विद्यार्थी ने BA LLB की एंट्रेंस एग्जाम कब होगी बोली है, तो वो ध्यान रखिए यहाँ पर 20 जून 2024 को 3:30 से 4:30 बजे यहाँ पर देख पा रहे हैं BA LLB की परीक्षा है। MCOM एक नया कोर्स आया हुआ है, तो आप इसमें भी आप एंट्रेंस एग्जाम होगा, वी वोकेशनल का भी यहाँ पर यह दिया हुआ है। वहीं अगर MA वाले जो कैंडिडेट हैं, MA आप देख सकते हैं MA MSc और MED से रिलेटेड जो है वो 21 जून को परीक्षा होगी उनकी 1 से 2 बजे तक। और सेकंड पाली में BPED वालों की परीक्षा है, खासतौर पर BPED वाले ध्यान रखें, ठीक है। तो BPED की परीक्षा 3:30 से 4:30 है। पूर्व सत्र की भांति जो है 23/24 के अनुसार ही 24/25 में भी ऑनलाइन के माध्यम से यानी कि मोबाइल फोन के माध्यम से आपका आयोजन होगा। आपको एग्जाम जो देना होगा वो पेपर पेन के माध्यम से नहीं बल्कि आपको देना होगा ऑनलाइन यानी कि अपने मोबाइल में देना होगा, ठीक है। अभी यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि जो है मंगलवार को परीक्षा दिवसों में सही, ये तो आपका कॉलेज के लिए है, आपको मतलब कुछ नहीं करना है, टाइम टेबल बस देखना था। इसके बाद आप लोगों के लिए निर्देश आया हुआ है कि आपको 1 घंटा पहले पहुंचना है। बाहर के छात्र हैं तो पहले से देख लीजिए कहां पर जाना है। 3 घंटे का बैटरी बैकअप वाला अच्छी इंटरनेट सुविधा वाला स्मार्टफोन या टैबलेट या फिर आपका लैपटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम लेकर जाना है, और वहां जाकर आपको जो है परीक्षा गूगल क्रोम ब्राउजर में ही देना है, अलग में नहीं देना है, ठीक है। और कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आप नहीं ले जाएंगे। अगर कोई भी टेक्निकल इशू आता है वो आपकी जिम्मेदारी होगी। वाईफाई सुविधा मिलेगा, उस सुविधा का आप उपयोग कर सकते हैं। 1/2 घंटा समय के बाद परीक्षा हॉल कक्ष में अनुमति नहीं होगी। परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति बीच में नहीं दी जाएगी। जब तक निर्देश ना दिया जाए अपने सीट से आप नहीं उठ पाएंगे। बुलेटिन की पात्रता की शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है। प्रवेश पत्र जो है अंतिम रहेगा। परीक्षा स्थल को सत्यापित कर ले, कोई भी समस्या आपको ना हो, पहले से वैलिड आईडी आपको प्रवेश पत्र के साथ लेकर जाना है परीक्षा केंद्र में, नहीं तो अनुमति नहीं मिलेगी अंदर जाने की। अंक की बात करें तो 50 अंक का आपका पेपर होगा। उत्तर का चयन न करने पर कोई भी ऋणात्मक अंक नहीं है और कोई भी निगेटिव मार्किंग यहां पर नहीं होगा। प्रश्न पत्र की भाषा 2 भाषा में होगी, अंग्रेजी और हिंदी में। कोई भी विसंगति आती है, प्रिंटिंग मिस्टेक, कोई भी दिक्कत रहती है तो अंग्रेजी को ही प्रीफर किया जाएगा। वहीं अभ्यर्थी को परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग करना वर्जित है। अनुचित साधन का अपनाएगा तो अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। और 1 घंटे में 50 बहुविकल्पी यानी MCQ को आपको सॉल्व करना होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि जो चेंजेस हुआ है टाइम टेबल में, ये तो था टाइम टेबल जो पहले आया हुआ था। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में चेंज हुआ है। तो ये देखिए 6 जून को यहाँ पर जारी किया गया है, जिसमें आपका 19 जून 2024 दिन बुधवार को जो फर्स्ट पाली में जो 1 से 2 बजे तक जो परीक्षा थी वो किसकी, MSc बायोटेक्नोलॉजी की, और द्वितीय पाली में 3:30 से 4:30 बजे तक जो MSc बायोकेमिस्ट्री एंड MSc बायोसाइंस की परीक्षा थी उसमें संशोधन हो गया है। अब आप देख पा रहे हैं 1 से 2 बजे तक 20 जून को परीक्षा होगी बायोकेमिस्ट्री की, और 21 जून को परीक्षा होगी बायोटेक्नोलॉजी और बायोसाइंस की 3:30 से 4:30 बजे तक। बाकी सब सेम रहेगा, यही सिर्फ 2 सब्जेक्ट जो है वो चेंज हुआ है। और ध्यान रखिए ये कैंडिडेट वाले अगर बायोकेमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी या बायोसाइंस वाले हैं तो फर्स्ट पाली में एक ही सब्जेक्ट है और द्वितीय पाली में आपका इसमें है। जैसे 21 जून लिखा हुआ है 3:30 से 4:30 बजे MSc बायोटेक्नोलॉजी और बायोसाइंस, तो 21 जून को और भी बहुत सारी परीक्षाएं, ऐसा नहीं, ये देख सकते हैं आप इसके साथ ये 3 सब्जेक्ट के साथ 2 सब्जेक्ट और जुड़ गया। वहीं अगर आप यहाँ पर इसकी बात करें ये वाले बायोकेमिस्ट्री की, तो बायोकेमिस्ट्री 20 जून को 1 से 2 बजे तक है। तो 20 जून को हम देख लेते हैं यहाँ पर, तो 20 जून को आप देख पा रहे हैं इस वाले में, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री यहाँ से हट के कहाँ आ गया है, इस वाले पाली में आ गया है, यानी कि फर्स्ट 1 से 2 बजे तक 20 जून को, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें किसकी, बायोटेक्नोलॉजी और बायोसाइंस की, कौन सी वाले, ये जो 19 को परीक्षा थी और ये कहाँ गए, ये दोनों मिलकर कहाँ आ गए हैं, वो आ गए हैं सीधा 21 जून को, वो भी सेकंड पाली में। तो दोनों PDF आप जो है ग्रुप से डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ आपको सेंड कर दिया जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इन्फॉर्मेशन किसी से भी छूटे नहीं। और लगातार इस तरह अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर रखिएगा। साथ ही साथ आप सभी को जानकारी देना चाहूँगा कि प्रवेश पत्र जो है अभी आपके ID में ही आएगा, तो प्रवेश पत्र आपको देख लेना है, ID को चेक करते रहना है। वहाँ पर UTD एंट्रेंस एडमिट कार्ड या एडमिशन कार्ड लिखा हुआ आएगा, मैं एक बार लिख दे रहा हूँ फिर से, आप देख लीजिए UTD एडमिशन कार्ड या एंट्रेंस एग्जाम लिखा रहेगा, ये लिखा रहेगा एडमिशन कार्ड, या फिर इसी में लिखा रहेगा एंट्रेंस एग्जाम, ये लिखा हुआ आएगा। उसी PDF को आपको डाउनलोड करना है, जैसे नॉर्मल हर PDF को आप डाउनलोड करते हैं वेबसाइट के माध्यम से, इसी तरह प्रवेश पत्र आएगा। प्रवेश पत्र जैसे आए मुझे सूचना मिलेगी तो मैं आपको जानकारी दूंगा, अन्यथा आप में से भी कोई विद्यार्थी मुझे मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पर कि एडमिट कार्ड आ गया, सभी को इन्फॉर्म